मुख्यमंत्री केरला स्टोरी के बहाने अब हिंदू आबादी के घटने और मुस्लिम आबादी के बढ़ने को लेकर बहस शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह से उस दावे से हुई है जिसमें उन्होंने केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के साथ ही यूपी के कई जिलों में मुस्लिम आबादी का तेजी से बढ़ने का जिक्र किया। राजेश्वर सिंह के दावे पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई। द केरला स्टोरी पर धर्म युद्ध का नया चैप्टर, फिल्म वाली सियासी लड़ाई हिंदू मुस्लिम आबादी पर आई। धर्मांतरण के जाल और आतंकी कनेक्शन पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी बैन वाली सियासत का चैप्टर बंद हुआ है तो भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने फिल्म के बहाने घटती हिंदू आबादी और बढ़ते मुस्लिम पॉपुलेशन का मुद्दा छेड़ दिया। दावा है कि आजादी से लेकर अब तक बीते 75 सालों में हिंदू आबादी का ग्राफ गिरा है जबकि मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। राजेश्वर सिंह के मुताबिक 1951 में यूपी में हिंदू आबादी 85.52% थी जो 2011 की जनगणना में 79.73% तक पहुंच गई। भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र कर एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं जिनके जरिए राजेश्वर सिंह ने दावा किया है कि पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद और रामपुर में हिंदू आबादी 50% तक पहुंच गई। इन आंकड़ों पर राजेश्वर सिंह ने चिंता जताई है। बीजेपी के सरोनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह ने द केरला स्टोरी फिल्म के बहाने पूरे देश में हिंदू आबादी के मुकाबले मुस्लिम आबादी बढ़ने का दावा किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर समेत कई ऐसे ज़िलों का जो है जिक्र किया है जहां पर इस तरह की बात सामने आई है, इस तरह के कई मामले सामने आए। नहीं, आंकड़े ये गवाही दे रहे हैं कि मुस्लिम, जैसे उन्होंने राजेश्वर सिंह जी ने कहा है, आबादी की बात कही है, ये तो कटु सत्य है, ये तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य है कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ था तो हिंदुस्तान में तब 10 करोड़ मुस्लिम की संख्या थी 15 अगस्त से पहले। उसके बाद बंटवारे में 3 करोड़ मुस्लिम यहाँ रहा और 7 करोड़ मुस्लिम पाकिस्तान और बांग्लादेश जो आज बन गया पूर्वी पाकिस्तान उसमें गया। वो आज 7 के 30 हुए हैं और हमारे यहाँ 3 के 25 हो गए। राजेश्वर सिंह का तो समर्थन कर, उन्होंने सही बात कही है। राजेश्वर सिंह ने दावा किया है कि आज़ादी के बाद से केरल में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। दावा है कि 1901 की जनगणना में केरल में हिंदू आबादी 68.5% थी जबकि मुस्लिम आबादी 17.5% थी, जबकि 2011 की जनगणना में हिंदू आबादी घटकर 54.9% हो गई, वहीं मुस्लिम आबादी बढ़कर 26.6% हो गई। राजेश्वर सिंह ने इन आंकड़ों के साथ आतंकी संगठन ISIS के केरल से लिंक होने की बात कही है। इसके पीछे उन्होंने अमेरिकी रिपोर्ट का हवाला दिया है। राजेश्वर सिंह ने पश्चिम बंगाल में भी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ने और हिंदू आबादी घटने का दावा किया। राजेश्वर सिंह के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 1947 में मुस्लिम आबादी 19.85% थी जो 2011 में बढ़कर 27% हो गई। दावा है कि साल 2001 से 2011 के बीच पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी का ग्रोथ रेट 25.9% रही, वहीं इस समय तमिलनाडु में 21.36% की रफ्तार से मुस्लिम आबादी की बढ़ोतरी हुई। इन आंकड़ों के जरिए राजेश्वर सिंह ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी और तमिलनाडु के स्टालिन सरकार पर चुभने वाला निशाना साधा है। आरोप लगाया है कि इसी वजह से दोनों राज्यों की सरकारों को फिल्म द केरला स्टोरी पर आपत्ति है। राजेश्वर सिंह का आरोप है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदू आबादी तेजी से घटी है लेकिन कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने कभी आवाज नहीं उठाई, लेकिन तुष्टीकरण वाले एजेंडे के तहत फिल्म द केरला स्टोरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। राजेश्वर सिंह के आरोप पर कांग्रेस नेता अजय राय ने तीखा पलटवार किया। अब वो उनकी अपनी सोच है, अब वो सोच जब वो फिल्म दिखाकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लोगों को अब वो सावरकर के उस दिन जन्मदिन के अवसर पर संसद भवन का उद्घाटन करना, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ पूरी तरीके से ये प्लानिंग के साथ ये कर रहे हैं।
जाहिर है भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने सियासत में हिंदू मुस्लिम आबादी का जो पन्ना पलटा है उस पर घमासान मचना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।